हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेद ऑफ आयु। आज हम पढ़ेंगे गुड सेल रूल, जो फिस्टुला में बताते हैं। ये आपका 5 मार्क्स में आता है शल्य में, पेपर 2 का टॉपिक है ये। तो आज हम पढ़ेंगे गुड सेल रूल, ये 1900 में आया था। तो ये क्या कहता है, इसका डायग्राम थोड़ा समझना मुश्किल है फर्स्ट टाइम में। देखिए, ये है आपकी एक, हमने कि जैसे हम, ये आपका एनएस है, तो हम इसको एंटीरियर मानेंगे, इसको पोस्टीरियर मानेंगे, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, इसी को हम यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका एनोरेक्टल कैनाल है, ये एनएस है, ठीक है। ये एनोरेक्टल कैनाल है आपका, ये जो है आपकी डेंटेट लाइन है। इसका हमने एरिया लिया है, ये हमने एक इमेजिनरी लाइन खींची है, ओके, जो कि आपकी 3.75 सेंटीमीटर की है, 3.75 सेंटीमीटर, ओके। ये आपकी एनल वर्ज होता है ये, ठीक है। ये हमने एक ट्रांसवर्स लाइन मानी है, क्योंकि हम एंटीरियर और पोस्टीरियर करने वाले हैं। ये रूल कहता है कि अगर आपकी एक्सटर्नल ओपनिंग 3.75 के रेंज में है, ठीक है, और वो भी एंटीरियर में, ठीक है, 3.75, ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, इसके अंदर अगर आपकी कोई भी ओपनिंग है, तो वो आपकी एनल में जो इंटरनल ओपनिंग होती है वो स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। इसमें जब आप प्रॉबिंग करेंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। ये कहता है गुड सेल रूल, अगर एक्सटर्नल ओपनिंग आपकी 3.75 के अंदर है, तो वो आपकी इंटरनल ओपनिंग जो होगी वो स्ट्रेट लाइन जाएगी। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर पोस्टीरियर साइड में एक्सटर्नल ओपनिंग आपकी 3.75 के अंदर है, तो वो एक कर्व ट्रैक बनाएगी, और आपकी जो इंटरनल ओपनिंग है वो आपकी पोस्टीरियर हाफ में निकलेगी, ठीक है, 6 o'clock में आपकी वो ओपनिंग निकलेगी। ये कहता है आपका सेकंड रूल। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, इसमें कहा गया है कि अगर एंटीरियर ओपनिंग आपकी 3.75 के बाहर है, ठीक है, यहाँ है, तो उसकी ओपनिंग एंटीरियर में ना होकर कर्व ट्रैक लेगी और एज ए पोस्टीरियर आपका पीछे से जाएगी, 6 o'clock में इसकी ओपनिंग होगी आपकी। ये होता है एक्सेप्शन, अगर ये 3.75 से ज़्यादा रेंज है तो उसमें एक्सेप्शन है, वरना अगर 3.75 की रेंज में एंटीरियर में है तो स्ट्रेट लाइन, पोस्टीरियर में है तो कर्व लाइन। ये कहता है गुड सेल रूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।